नाम है, ध्यान का होता है भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना। और ये ध्यान जितना अच्छी तरह से हम लगाएंगे उतना हमारा जीवन सार्थक होगा, जितना हम कम ध्यान लगाएंगे उतना हमारा जीवन बेकार है। तो भगवान में ध्यान लगाना साध है और बाकी चीजों में ध्यान लगाना ये बेकार है। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देख सकते हैं, उनको 1922 में उनके गुरुदेव ने कहा आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कीजिए। 1922 से लेके वे 1977 तक वे एक ही लक्ष्य बनाए, वो एक ही लक्ष्य बनाए, व्यवसायी आदमी का बुद्धि है एक है गुरु नंदना, जो भगवान का योजना है मेरे गुरुदेव का योजना है वही मेरा योजना होगा, बस एक ही गुरु नंदना, इसको कहते हैं फोकस। और जितना फोकस होगा हम अपने जीवन में जो है सफलता को प्राप्त करेंगे, उतना हम खुशियों को प्राप्त करेंगे, उतना हम जो है जीवन में श्रेय को प्राप्त करेंगे। तो ये फोकस कैसे लाना है ये इस अध्याय का जो है ये छोटी सी भूमिका के साथ हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। ये अध्याय बड़ा विलक्षण में अलौकिक अद्भुत है, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक जिसमें ध्यान और निष्काम कर्म योग के बारे में बताया जाता है और अष्टांग योग के अलग अलग स्तर क्या है कैसे किया जाए उसका उत्तर देते हुए दूसरे भाग में, और तीसरे भाग में भगवान कहते हैं ये सब अंदर की बात है, मन को स्थिर करना वो तीसरे भाग में। अर्जुन फिर पूरी तरह से जान लेता है ये अष्टांग योग जंगल में जाना और संन्यास बनना ये मेरे काम का नहीं है, तब जो है उनके प्रश्न पूछने का अब जो है अदा बदल जाता है। पहले अध्याय से लेके अब तक अर्जुन प्रश्न पूछता है मैं क्यों मेरे लिए श्रेय क्या है, मेरे लिए श्रेय क्या है, अब उनको पता लग जाता है मेरे लिए श्रेय यह है कि मैं निष्काम कर्मी हूँ। अब जो वो प्रश्न पूछेगा वे भक्ति भगवान और भक्त के बारे में 12वें अध्याय तक, फिर 13वें अध्याय में फिर से अलग प्रकार का प्रश्न पूछेंगे, फिर कहते हैं कि भगवान ये सिद्ध करते हैं भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, भक्त बनना सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है। इसी के साथ आइए और विलंब ना करते हुए हम इस अध्याय को प्रस्थान करते हैं। निष्काम कर्म योग संन्यास दोनों एक है, जैसे भगवान ने पिछले अध्याय में कहा, क्योंकि संन्यासी जो परम सुख का अनुभव करता है वही सुख एक निष्काम कर्म योगी जब परिपक्व हो जाता है वो अनुभव करते है। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक अर्थ कहते हैं यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें ला रहा है, अर्थात हमें इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। व्यास मुनि जब भी ये कहते हैं कि श्री भगवान वाचक तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमारे लाभ के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए बताया जा रहा है, अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के जो हड्डी है उसे सीधा कर लेना चाहिए, हर एक शब्द में एक एक वाक्य एक एक शब्द के एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा हित है, कल्याण है, लाभ है, इतना लाभ मिलेगा कि हम सोचते रहेंगे हम कौन थे और हम क्या हो गए, और इतना सुख का अनुभव करेंगे फिर बोलेंगे दुख नाम का भी कोई चीज है। तो ये शब्दों में इतना ताकत है, बल है, शक्ति है, भक्ति है। तो भगवान कहते हैं चाहे योगी हो या सन्यासी हो वो अनाश्रित कर्म फल, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मा करोति, सा सन्यासी चा योगी चा ना निर्अग्निर्ना अक्रियः। ये कुछ सुनने दे रहे
तो इट्स ओके। तो सन्यासी का ये नहीं कि वो कार्य ना करे और योगी का, पर सन्यासी का मुख्य लक्ष्य क्या है? अनाश्रित कर्म पद, मैंने ये काम किया तो एक कार्य का फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। अनाश्रित कर्म फलम। हम बहुत कुछ करते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ किया, 108 मंदिर बनाया और 10 या 11 शिष्य बने, इतने बड़े प्रवचन के, इतने सारे ग्रंथों का रचना किया, पर वो कर्म के फल के लिए ये सब का लाभ मुझे मिलना चाहिए। सब श्रेय को भगवान के देते, अनाश्रित कर्म फल का। और सन्यासी का अर्थ ये नहीं है कि वो कोई कार्य न करे या अग्नि न जले। प्रभुपाद जी स्वयं यज्ञ करते थे और यज्ञ में तो यज्ञ रोज जो है वो कम से कम राजभोग में 200 चपाती बनाते थे, तो अग्नि लगाना ही होगा। तो 200 चपाती और चावल दाल और सब्जी केवल 40 मिनट में, 12 बजे प्रभुपाद जी आरंभ करते थे और 12:30 बजे तक रेडी होता था भगवान को भोग लगा। इतने फास्ट सुपर फास्ट प्रभुपाद जी बनाते थे। और 1 बजे अमेरिका के नौजवान हिप्पी लोग सुधर गए तो 6 फुट 6, 2 फुट चौड़ा बैठते थे और 20 20 चपाती खाते थे, 20 20 चपाती। और ये चपाती खाकर, गरम गरम सब्जी खाकर उनका मन बदल गया, वो हिप्पी से हैप्पी हो गए। प्रभुपाद जी ने अग्नि भी जलाया और बहुत सारे कार्य भी किए, पर ये कार्य का फल के प्रति वो आश्रित नहीं है। ये कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए, नहीं, वो श्रेय भगवान को देते हैं। चाहे योगी हो या सन्यासी हो, वो कार्य करेंगे पर कार्य के फल से अनाश्रित होगा, ये असली योगी है। ये अब अर्जुन का मन में ये चल रहा, ये बात है तो ये लड़ाई पर छोड़कर मैं थोड़ा सा सन्यासी बनूंगा, ये लड़ाई के चक्कर में क्यों रहे? विष्णु पितामह को मारना है, द्रोणाचार्य को मारना है, मैं तो चुपचाप जंगल में जाता हूँ, दोनों का फल एक ही है ना। चलो अच्छा भाई, अब अर्जुन जो है भगवान की योजना से हटके कुछ सोच रहा है। भगवान को पता है, रुको रुको रुको, अभी मैं बताता हूँ ध्यान योग कैसा है, धैर्य रखिए। अर्जुन को क्लीन बोल्ड कर देंगे। अर्जुन सोच रहा है कि मैं संन्यास लूंगा, जंगल में जाऊंगा, पर संन्यास ध्यान योग कितना कठिन है आपको थोड़ी देर में पता लग जाए। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवा नाहि असन्यास्ता संकल्प योग भवति कश्चन। संन्यास का तो यह है कि उनके अंदर जो है कोई भौतिक इच्छा नहीं। योगी का अर्थ वो है जो जिनका मन एक ही बिंदु पर, एक ही चीज पर केंद्रित है, एक दृष्टि से। सन्यासी कोई भौतिक चीज के बारे में नहीं सोचता है, वो केवल भगवान के बारे में सोचता है। और योगी जो है एक ही चीज के बारे में सोचता है, वो है भगवान के बारे में। तो सन्यासी और योगी दोनों एक दृष्टि से एक ही है। पर अर्जुन अब सोचने लगा, यही बात है तो मुझे कर्मों में क्यों लगाते हो? अर्जुन फिर से कहते हैं, कुछ कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो, ये युद्ध करने में क्यों लगा रहे? तो भगवान समझा रहे, संन्यास तब लिया जाएगा जब मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र नहीं होगा आपको कर्म करना होगा। तब अर्जुन पूछते हैं, मुझे संन्यास बनना है पर मैं कर्म और कर्म के फल से कब तक अनाश्रित रहूं, मैं कर्म के फल को कब तक त्यागते रहूं और मन को पवित्र करके मैं कब संन्यास बनूंगा? तो भगवान कहते हैं, देखिए अष्टांग योग के बारे में आप पूछ रहे हो ना, अब मैं बताता हूँ। अष्टांग योग के 2 स्तर हैं, एक जूनियर और एक सीनियर, जैसे जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज, जैसे जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल सेक्शन होता है, इसी प्रकार से जिनका मन अभी तक पवित्र नहीं हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में लगा हुआ है, जो अनर्थ निवृत्त नहीं हुआ, उनको कर्म करना होगा, यज्ञ दान तप करना होगा। ये करते 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 धीरे धीरे संतों का आशीर्वाद मिलेगा, मन पवित्र हो जाएगा, उनको जूनियर्स कहा जाएगा।
आरुरुक्षो मुनेर्युं योगं कर्म कारणं उच्यते, ये जूनियर हो गया। आरुर आरुक्षो मुनेर्युं योगं कर्म चते योग चते, जिसका मन अभी तक पवित्र नहीं हुआ, पुराने गंदे विचार फिर से मन में आ गए, दुनिया है तो वो संसार में रहे और संतों का सेवा करे, और जब उनका मन पवित्र होगा तो वह जंगल में जा सकते हैं। और सीनियर का विस्तार में यहाँ पे वर्णन है, यदा ही नैनिन्द्रिय अर्थेषु नाहि कर्मशो अनुज्यते सर्वसंकल्प संन्यास योग आरूढ़ उच्यते। अब उनका मन जो पवित्र हो जाता है, अब वो जंगल में जा सकता है और जो है ध्यान वगैरह लग सकता है। पर जूनियर और सीनियर ये कैसे पता लगेगा? ये मन की बात है, ये बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। तो भगवान कहते हैं ये मन पर आधारित है, जिसका मन भगवान में लग गया है वो जंगल जा सकता है, जिसका मन बंगाल में नहीं लगा है वो घर पे रह के वैष्णव का सेवा करके धीरे धीरे अपने मन को पवित्र कर सकता है। उदारे द आत्मना आत्मना नात्मना अवसाद्यते आत्मनेव ही आत्मनो बंधुर आत्मनेव। ये मन के बारे में, ये अंदर की बात है। ये संस्कृत भाषा भी इतना अद्भुत है, बहुत सुंदर है। एक शब्द जो है संस्कृत का, ये आत्मा को ही ले लो, ये आत्मा का एक अर्थ होता है, शरीर एक अर्थ होता है, मन एक अर्थ होता है, बुद्धि एक अर्थ होता है, आत्मा जीवात्मा एक अर्थ होता है, परमात्मा। ये एक शब्द का, संस्कृत में एक शब्द का 7 अर्थ निकलता है, और किस स्थान पे कौन सा अर्थ लगेगा ये हमें आचार्यों के द्वारा, गुरु के द्वारा पता लगता है, प्रसंग के द्वारा पता लगता है। तो यहाँ पे आत्मा 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 मिल रहा है, कम से कम 8 बार आत्मा बताया है, पर ये सब मन के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मन जो है ये अंदर की बात है, ये मन हमें दिया गया है, इस मन से हम अपने आप को पवित्र करते जाए। ये मन में थोड़ा सा भी लेश मात्रा में गंदे विचार नहीं आना चाहिए, ये मन पवित्र करने के लिए है। ये मन जब भगवान की सेवा में लगेगा तो ये हमारा मित्र है, और ये मन जब भगवान में नहीं लगेगा तो ये हमारा दुश्मन है। तो बताइए, हम मित्र के साथ हैं कि दुश्मन के साथ हैं? सारे बिगड़ी वाले तो कहेंगे हम यहाँ पे सबका बिगड़ी बनाने सुधारने के लिए, तो मन हमारा बंधु है। तो कहते हैं बंधुर आत्मा आत्मन तस्य आत्मनैव आत्मन जीता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मन एव शत्रुवा। वो व्यक्ति जो गुरु साधु और भगवान में शास्त्र में मन लग जाता है, वो अपने मन को मित्र बना दिया, और वो व्यक्ति जिसका मन गुरु साधु शास्त्र या भगवान में नहीं लगा, उनका मन उनके लिए दुश्मन है। सच बात तो यह है, हम सबको मन की बात को कभी सुनना नहीं चाहिए। मन कहेगा चलो 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 फिल्म देखने चलो, शनिवार का शाम है चौपाटी पे चलो, मन का बात मत सुनो, वो चक्कर में घुमा देगा, और ऐसा चक्कर कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर होगा। मन कहेगा यहाँ क्या बैठे हो एक ही जगह पे, चलो वहां पे झूला में झूलते हैं, झूला में क्या झूलेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो ये मन की बात को नहीं सुनना है, जो मन के बात सुनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। हम तो फिर हम किसके बात सुने, गुरु साधु और शास्त्र की बात सुने। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो सीनियर हो जाता है,
उनका मन कैसे होता है तो कहते हैं, जीतात्मना प्रसंतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो। जो व्यक्ति धीरे 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 मन को पवित्र कर लेता है, शास्त्र गुरु और भगवान में उनका मन लग जाता है, वो जीतात्मा हो जाता है, वो अब जंगल जा सकता है। अर्जुन बोला, चलो भाई ये मेरे लिए ठीक है, ये युद्ध भूमि छोड़कर जाता हूँ मैं। पर धीरे धीरे एक-एक बातों को अर्जुन सुनते रहेगा, उनका हाल बेहाल हो जाएगा। जीतात्मना, वो मन के ऊपर जया करता है, प्रसन्न 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 तस्य, उसका मन इतना प्रसन्न हो जाता है, शांत नहीं प्रकृष्ट रूपे न शांत, बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि इनका मन भगवान में पूरा लग जाता है। जैसे एक छोटा सा बालिका का वर्णन आता है, वो हवाई जहाज में बैठी है, वो खिड़की के बाहर बादलों को देख रही है, और इतने में हवाई जहाज थोड़ा सा टेढ़ा थोड़ा सा इधर दाएं बाएं होने लग जाता है, और अनाउंसमेंट हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी एवं सज्जनों, खबर यह है कि विमान हवाई जहाज बेकाबू हो गया है। आप सबसे निवेदन किया जाता है कि आप अपने अपने भगवान को याद करो। तो किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, पर ये बच्चे ही खिड़की के बाहर देख रही है। 10 मिनट तक हवाई जहाज ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। एक सज्जन ने देखा, ये बालिका खिड़की के बाहर देख रही है, वो तस के मस नहीं हुए, और यहाँ पे सब परेशान, पसीने से तर तर हो रहा है, एसी चल रहा है फिर भी पसीना, सब डर गए थे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट का, फिर से विमान जो है काबू में आ गया। देवी एवं सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश खबर यह है कि विमान फिर से काबू में आ गया। एक सज्जन से रहा नहीं गया, बोला, बालिका से पूछा, बेटी ये बताओ, हम लोग डर गए थे, कोई ऐसे कर रहे थे, कोई ऐसे कर रहे थे, कोई ऐसे कर रहे थे, आप तो खिड़की के बाहर देख रहे थे, तो शांत निष्काम, अतएव शांत लग रहे हो आप। तो बोला, अंकल आपको पता है, ये जो एरोप्लेन है, इसका जो पायलट है, वो मेरा पिताजी है, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा पिताजी हमारा पूरा कभी नहीं करेगा, इसीलिए मैं शांत निष्काम अतएव शांत हूँ। तो देखिए, ये विश्वास है वो छोटा बालिका का कि मेरे पिताजी मेरा अहित कभी नहीं करेगा। इसी प्रकार से वो योगी, वो सन्यासी, जिसका मन पवित्र हो जाता है, उन भगवान में इतना विश्वास हो जाता है कि ये ब्रह्मांड का, ये सृष्टि का पायलट मेरे पिताजी परम परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण है, और वो किसी हालत में मेरा जो है अहित नहीं करेगा, इसीलिए वो अतएव शांत रहता है, कृष्ण भक्त निष्काम। यहाँ पर वो सन्यासी इस प्रकार का, अष्टांग योगी इस प्रकार का भाव। तो शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमान यो, जिस प्रकार से कल एक मंत्री का उदाहरण दिया था, वो जो हर परिस्थिति में जो भी होता है अच्छे के लिए, उसको अपमानित किया तो भी बोला भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए, उसे सम्मान दिया राजा ने तो भी, और उनको कभी कारागार में डाला तो भी वो कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है मेरा अहित नहीं करेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते इस अस्मत् कंचना। उनको पूरा विश्वास हो जाता है, शास्त्र में जो जो बातें हैं वो ज्ञान वो जान लेते हैं, विज्ञान वो अनुभव भी कर लेते हैं कि किस प्रकार से भगवान हर स्थान में है, किस भगवान से भगवान का हाथ हर चीज में है, किस प्रकार से भगवान हमारा हित करता है, वो विज्ञान भी हो जाते हैं। जैसे ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, रसगुल्ला गोल है, सफेद है, 50 ग्राम का है, और चीनी से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है, ये ज्ञान हो गया। पर विज्ञान क्या है? रसगुल्ला गोल है, सफेद है, मीठा है,
और दूध और चीनी से बना हुआ, और खाता है और बोलता है ये बहुत ही स्वादिष्ट है, ये विज्ञान है, वो कभी भूलेगा नहीं। तो ज्ञान प्रैक्टिकल हो गया, ये जो है ज्ञान यानी कि थियरी हो गया और ये प्रैक्टिकल हो गया, वो कभी भूलेगा नहीं। वो भगवान के बारे में जानकारी भी है और उसका अनुभव भी करता है, वो तृप्त आत्मा हो जाता है। कृतस्थो भी जितेंद्रिया, वो उसका मन काबू में हो जाता है क्योंकि भगवान का वो भक्ति में, भगवान का सेवा में लगा हुआ है। और उनके लिए समर लोस्टर आसमा कंचन है, सोना और एक पत्थर एक जैसा है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद एक महान संत हुए, उनका मन इतना भगवान में लग गया था। एक बार एक शिव जी के भक्त उनके पास आए थे, कहा कि मुझे शिव जी ने कहा आपसे कुछ मांगने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज मांगो। बोला मुझे चाहिए एक पारस मणि, पारस मणि। तो बोला ठीक है पारस मणि। सनातन गोस्वामी पाद कुछ लिख रहे थे, कचरे का कूड़ा था, कचरे के कूड़े में कुछ पत्ते थे, तो बच्चे पत्तों को हटा दिया और लिया, ये लो पारस मणि लीजिए। तो पारस मणि लिया, स्पर्श करते गया, सब कुछ सोना हो गया, माला भाल हो गया। दोस्त ने बोला कि नया मकान में आपने जो है वस्तु शांति के लिए तो बुलाया है, पर अभी इतना पैसा कहाँ से? बोला वो साधु ने कचरे के कूड़े से, अगर साधु ने कचरे के कूड़े से पारस मुनि को लिया है तो अलमारी में उससे बहुत महत्वपूर्ण रखा होगा चीज, वो मांग उससे, उसने आपको ठग दिया। ठग दिया तो फिर से आया, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया। फिर पूछा आपने कचरे के कूड़े से पारस मणि दिया, इससे भी श्रेष्ठ कुछ आपके पास होगा? बोला हाँ। तो पारस मणि को पहले फेंक कर आई यमुना में, वो पारस मणि को जेब में रखा, वापस आ गया। बोला ये हो गया? बोला नहीं हुआ है वापस। तो खुद बॉम्बे का था, इससे 2-3 बार थी। तो फिर आखिर में वो फेंक दिया, तब सनातन गोस्वामी पाद ने बोला आपको जो है भगवान का नाम लेता हूँ, वो सबसे बड़ा जो है चिंतामणि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। वो कचरे के कूड़े में पारस मणि था, वहां पर कचरा भी सोना हो गया था, पर सनातन गोस्वामी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि उनका चेतना भगवान में लग गया था। तो इस प्रकार से पवित्र चित्त हो जाता है। अब उनके लिए जो है सब लोग चाहे मित्र हो या दुश्मन हो, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। सुहृन्न मित्र प्रियुदासीनां मध्यस्थ देशया बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सबको एक दृष्टि से देखते हैं। हमारे अंदर क्या होता है? आप बोले अरे भाई तेज़ जरा बोलेगा, अरे बोलेगा हम निगड़ी वाले हैं, सबका बिगड़ी ठीक करते हैं। तो हम अपने बारे में कहते हैं, बॉम्बे में ऐसा होता है कि वो अपनों को जो है बड़े गले लगाते हैं, दूसरों को जो दुश्मन होते हैं उनको क्रोध से देखते हैं। पर एक साधु होता है, वो मन पवित्र होता है, दोस्त को भी साधु को, वो जानता है ये सब मेरे ही भाई हैं, कोई नटखट भाई है तो कोई प्यारा सा भाई है, पर भाई है, उनको भी सुधारना है। और किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये पापी है ये साधु है, बोला कि ये साधु है अच्छी बात है, इनसे मैं कुछ सुख लूंगा, और पापी है तो उनको सुधारने में लग जाता है। समबुद्धि विशेषज्ञ, वो भेद नहीं करता है, वो जानता है ये सब जो है भगवान के संतान है, मेरे ही भाई हैं, कोई अच्छे तो कोई बुरे हैं, बस समय की बात है। इस प्रकार का सुंदर वर्णन जब सुना अर्जुन ने, ये अष्टांग योग में इतना लाभ है तो बताइए अष्टांग योग कैसे किया जाता है? अर्जुन रुको रुको रुको, बताता हूँ बताता हूँ, अब आपका हाँ बेहाल करके छोड़ूंगा। अर्जुन जब कहता है कि अच्छा आप जानना चाहते हैं अष्टांग योग कैसे किया जाता है, तो कहते हैं योगी उन्जिता सततम आत्मनाम रहसि स्थिता एकाकी यता चितात्मा निरासेरा परिग्रह। योगी को चाहिए कि वो जंगल में जाए और एक ऐसा स्थान को ढूंढे और उस स्थान में वो अकेला रहे और वहां पर जो है अपने पुराने सारे गंदे विचारों को करके पवित्र मन से उस स्थान को चुने। वो स्थान कैसे होना चाहिए?
सोचा देश प्रतिष्ठाभ्या स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चम नाति नीचम कैलाजिना तरम। ऐसा स्थान होना चाहिए जंगलों के बीचों बीच जो ना तो बहुत ऊपर हो, अगर बहुत ऊपर होगा तो हवा लगेगा क्योंकि वो शेविंग तो नहीं करेगा, उनका बाल इधर उधर हो जाएगा, दाढ़ी इधर उधर हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए और बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नदी का पानी इधर उधर का पानी आएगा फिर गीला हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है, तो मध्य स्तर में होना चाहिए। ठीक है। और दो सुंदर आसन देखकर चैला जी ना कुशोत्तरम, इस प्रकार से सुंदर आसनम को देखकर वो खुश ना, वो जो है एक सुंदर आसन को साफ करे घास रखे उसके ऊपर कुशक के फिर उसके ऊपर जो है हिरण का जो है छाल रखे उसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखे फिर वो बैठे। तो ये कुशा का दास क्यों रखा जाता है? ये कुशा का दास जो होता है ये वराह भगवान का बाल माना जाता है। जब वराह भगवान चलांग लगाए थे ब्रह्मा जी के नसिका से उनका जन्म हुआ था दिव्य जन्म, और जब वे पानी में चलांग लगाए और वापस ऊपर जब आए तो वे जैसे हम लोग पानी छिड़कते हैं और गमछा या टॉवल लेते हैं तो वराह भगवान एक जो है शुगर का आधा निभा रहे थे तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो पानी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बाल गया, वही बाल जमीन में लगा आज भी कुछ आ गया, पवित्र का आसमान होता है, और जिस चीज को हम स्पर्श करेंगे वो सब पवित्र हो जाएगा, ये कुशा का, और ये पवित्र का से पवित्र है। पर हिरण का चाल भी लगाया जाता है, हिरण का चमड़ी, ये हिरण का चमड़ी क्यों लगाया जाता है? वो हिरण का चमड़ी इसलिए लगाया जाता है कि हिरण के चमड़ी में कुछ ऐसा एक पावर है, जैसे हम लोग ओडोमोस लगाते हैं तो मच्छर नहीं आता है, तो हिरण के चमड़ी लगाने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इतना वो प्रबल नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे ध्यान में लगा हुआ है और एक चींटी आ गया तो फिर पूरा ध्यान हट जाएगा, तो इसीलिए तो सांप इत्यादि दूर 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 रहेगा। ऐसा करने के बाद तत्र एकाग्राम मन कृतवा यथाचित इंद्रिया क्रिया उपर समय युंजा योगम आत्मा विश्व। इस प्रकार से वो आसन को धारण करे, स्थान को धारण करे, आसन लगाए और अब वहां पर बैठे अच्छी तरह से बैठे और हृदय को पवित्र करके, इंद्रियों को पवित्र करके, मन को परमात्मा में श्रद्धा विष्णु में लगाए। अर्जुन सुन रहे ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर कहते हैं समम काया शिरोगीरम, अभी बोलते हैं पीठ के हड्डी जो है उसे ठीक सीधा रखो। हाँ? समम काया शिरोगीरम धार्याम अचलम स्थिर संप्रेक्ष ग्राम स्वाम दिशा चानावालुकयाम प्रसंत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थिते मन संयम चित्तो युक्त अस्तित आसिता मत परम। इस प्रकार से कमर कस के बैठिए, पद्मासन में बैठिए, कमलासन में बैठिए और पीठ की हड्डी को सीधा रखिए, गले को सीधा रखिए और सिर को सीधा रखिए और आंख को जो है सीधे नाक के अग्रभाग में रखिए, आंखों को ना पूरा खोलिए ना बंद रखिए, पूरा खोलेंगे तो इधर उधर सब कुछ टिकेगा, ध्यान भटकेगा, और बंद करेंगे तो संभावना है कि पूरी तरह से समाधि में चले जाएंगे, नींद आ जाएगा, तो नाक के अग्रभाग में रखिए, ब्रह्मचारी व्रत का पालन कीजिए, मन को पवित्र कीजिए, पुराने गंदे विचारों को दूर रखिए और मत परायण भगवान में पूरी तरह से मन रख, और शिरोदक्ष विष्णु का ध्यान लगाए, उनके चरण कमलों में ध्यान लगाए। तो चरण कमलों में ध्यान लगाने का यहाँ पे जो है अब विधि आरंभ होता है।
युञ्जान् एवं सदात्मनां योगिनियत मनसा शान्तिं निर्वाणं परमं मत्संस्थाम् अधिगच्छति। वो शिरोगच्छ विष्णु परमात्मा का दर्शन करते हैं, पीताम्बर वस्त्र दर्शन करते हैं, उनके मुकुट का दर्शन करते हैं, उनके कमल नयन का दर्शन करते हैं, उनके कानों के कुंडल का दर्शन करते हैं और उनका मन बहुत शांत हो जाता है। ये वही भगवान है जो मेरे मित्र है, वो मेरा अहित कभी नहीं करेगा, इसीलिए बहुत शांत रहते हैं। और उनके चरण कमलों में उनका बार बार ध्यान रहता है। जब हम मंदिर आते हैं तो अभ्यास ये रहता है कि भगवान के चरण कमलों में ध्यान करें, पर भगवान के चरण कमलों में हम जब ध्यान लगाने जाते हैं तो हमें बहुत टेंशन आता है। हमारे जो भगवान के चरण कमल पर, हमारे का चरण कमल का जो पादुका है या शूज है, उसका क्या हो रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में तो आया, भगवान का चरण कमलों पर ध्यान किया और वापस गया तो देखा कि उसका चप्पल ही गायब हो गया। तो उनको आया गुस्सा, बोला कि अभी मैं जाता हूँ कंप्लेन करके आता हूँ भगवान को। तो भगवान को कंप्लेन करने आया तो भगवान यहाँ पे खड़े थे और देखा भगवान, ओ उसके भक्त लोग, अभी कंप्लेन करके आता हूँ। फिर वापस आया, बोला कि अरे कंप्लेन करके आया। बोला नहीं, कंप्लेन पर नहीं किया, मैं जब गया तो देखा वहां पे भगवान भी, बोला कि आपका चप्पल गया तो गया, अब देखो मेरा चरण कमल को, मेरे चरण कमल में चप्पल नहीं, वो भी गायब हो गया। तो वो चरण कमलों में ध्यान लगाने तो आते हैं पर मन उनका बाहर रहता है, अरे ये क्या हो रहा है, वो कह रहा है। पर ये योगी जो होता है, इतना पवित्र उनका मन हो जाता है कि वो शांत रहता है। और इस प्रकार से मत संस्थाम अधिगच्छति, जिस प्रकार का सुख भगवान अनुभव करते हैं उस प्रकार का सुख वो अनुभव करने लग जाते हैं। नाति अश्नाता तु योग अस्ति ना चैकांतम अनस नाचाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। तो अर्जुन अब एक प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है और कुछ नियम है, तो भगवान कहते हैं नाति अस्नातु योग अस्ति। वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है जो ज्यादा खाता है, वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है जो ज्यादा सोता है, वो व्यक्ति जो ज्यादा खाता है या ज्यादा सोता है वो योगी नहीं बन सकता है। तो कौन योगी बन सकता है कृष्णा? तो बताए, बताता हूँ, बताना। युक्त आहार विहार युक्त चेतस कर्मशु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। ना तो ज्यादा खाए ना कम खाए, ना अल्प ना प्रति युक्त आहार, ना तो ज्यादा विहार, विहार का अर्थ जानते हैं, विहार का होता है कभी कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा सा पार्क में घूमना, विहार से 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, या जब विद्यार्थी रहते हैं पढ़ाई करते 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 उनका मन थोड़ा भारी हो जाता है तो 5 मिनट के लिए वॉकिंग के लिए जाते हैं, उसको विहार से कहते हैं। तो ना तो ज्यादा करें ना कम करें, युक्त चेत से कर्म शु, मेहनत भी ज्यादा भी नहीं करें कम भी करें, युक्त करें, ना ज्यादा जागे ना ज्यादा सोए। तो युक्त हर चीज में युक्त होना चाहिए। युक्त का एक और अर्थ है, हम ऐसे आहार खाए जिससे हमारा मन भगवान में युक्त हो जाए, हम ऐसे विहार करें जिससे हमारा मन भगवान में युक्त हो जाए, हम ऐसे कर्म करें जिससे भगवान में हमारा मन युक्त हो जाए, हम सोते वक्त भी हम ऐसे सोए कि जिससे हमारा मन भगवान में युक्त हो जाए, जागते वक्त भी ऐसे जागृत रहे कि भगवान में हमारा मन युक्त हो। ये सब अंदर की बात है, मन की बात है। योग भवति दुःखः। तो इस प्रकार से योगी का वर्णन है। यहां तक तो ठीक है सब कुछ, अब आगे भगवान कहेंगे वो योगी का मन कैसे होता है। यदा विनियत चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निष्प्रिया सर्व कामेभिः युक्त इति उच्यते तदा। वो योगी जो है उसका मन इतना पवित्र होता है, उनको अब कुछ भौतिक कार्य से लेना देना नहीं होता है, उनके सारे जो है भौतिक कामनाएं वो से निष्प्रिया, उनको उनके मन में कोई भौतिक इच्छाएं अब नहीं होते, उनके मन में केवल पवित्र इच्छाएं हैं, भगवान विष्णु चिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करते रहते हैं। यता दीपो निवातोस्तो निंगते सोपामा स्मृत योगिनो यता चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। उनका मन अभी एकदम स्थिर हो जाता है, वो भगवान के चरण कमलों में एकदम से देखते रहता है,
जैसे यथा दीपो नी बातो स्तो, जिस प्रकार से एक दीप बात का अर्थ होता है, हवा जब चलता है तो दीप जो है तुरंत रहता है, पर नी बातो जब हवा नहीं चलता है तो वो दीप का जो दीप जो है एकदम स्थिर रहता है। जिस प्रकार से उनका मन भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने में स्थिर हो जाता है, इस प्रकार से योगी का मन हो जाता है। वो योगी आगे कैसे विचार करता है उसका वर्णन करते हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है। यत्र पारम ते चित्तम निरोधम योग से भया, यत्र चैव आत्मनाम पश्यन आत्मनि तुष्यति सुखम आप्यंतिकम यत्त विचन्दयते ताम विद्या दुखम संयोगम वियोगम योग संहिता। इस प्रकार से वो समाधि धीरे 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 उनका मन यम नियम प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारा ध्यान समाधि में चला जाता है, और धीरे 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 वो उसका मन केवल 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 भगवान के चरण कमलों में लगता रहता है। यहां तक तो अर्जुन बोलते सब ठीक है। अब भगवान कहते हैं वो योगी जिसका मन मुझ में लग जाता है वो कैसे विचार करता है। सा निश्चय योगिनी अशेषता मनसा इंद्रिया ग्रामम विनियाम या समान तत्ता। धीरे 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 उनका मन बुद्धि जो है पूरी तरह से भगवान में स्थिर हो जाता है। अब जो है भगवान करे सैने सैने उपाराम दे बुद्धिया कृति गृहतया आत्म संस्थान मन कृत्वा ना किंचित अपि चिंतय। अब जो है वो केवल भगवान का ही चिंता करता है और भगवान को छोड़ के और किसी की चीज का चिंता नहीं करता है। यह तो निश्चलते मन। भगवान अर्जुन कहते हैं कि ये तो ठीक है, पर वो सन्यासी जो जंगल में जाता है पर उसका मन विचलित होता है, उनको क्या करना है? तो कहते हैं यह तो निश्चलते यतो निश्चलति मनसा चंचल अस्थिरम ततो नियम एक आत्मनि एवा वसनीय। मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो उसे वापस वापस वापस। तो अर्जुन जिस संन्यास लेने का चर्चा कर रहे हैं उसे कर्म संन्यास कहते हैं। तीन प्रकार का संन्यास होता है, एक ज्ञान संन्यास, एक भक्ति संन्यास और एक कर्म संन्यास। तीन प्रकार के मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो तीन प्रकार के संन्यास है, पर ये कर्म संन्यास का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो वो कैसे जंगल में जाते हैं। अब जो है अर्जुन को ये बात पचेगा नहीं। प्रशांतां मनसां हि एनां योगिनां सुखम उत्तमं उपायिति शांतराजसं ब्रह्मभूत अकामस। वो उनका मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और सबका हित चाहता है, यहाँ तक कि दुश्मनों का भी हित चाहेगा और सब जीव का हित चाहेगा। उसका मन शांत हो जाएगा रजस तमस गुण से और ब्रह्मभूतम यानी कि भगवान जो सुख अनुभव करते हैं उस प्रकार का सुख अनुभव करता है, और सारे अकल्मष यानी कि गंदगी उनके चित्त से दूर हो जाता है। युञ्जम एवं सदात्मनः योगी विगत कर्म स सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम आशुते अपार सुख को अनुभव करता है। उनका हृदय पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि वो सबका हित चाहता है। अर्जुन यहाँ पे फल चाहता है, बोलता है कि अर्जुन कहता है कि ये तो ठीक है। अब जो है भगवान जो बात कह रहे हैं ये अर्जुन को पचेगा नहीं। सर्वभूतस्तम आत्मना सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना।
वो हर जगह पे भगवान का दर्शन करेगा, हर जिनका हित चाहेगा, अर्जुन यहाँ पे अटक जाएगा, हर सबका हित चाहेगा। मैं युधिष्ठिर का हित चाह सकता हूँ पर दुर्योधन का हित नहीं चाह सकता हूँ। फिर भी अर्जुन रुकता है कि प्रश्न उत्तर का समय थोड़ी देर के लिए लगेगा, तब मैं प्रश्न पूछूंगा, पर वो यहीं पे अटक जाते हैं, सबका हित चाहता है। वो योगी भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं, सबसे प्रेम करने लग जाता है। जैसे एक व्यक्ति, अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मी लव माई डॉग, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करो। जैसे एक व्यक्ति जिसको पैसा चाहिए था, सेठ जी के पास जाता है, वो सेठ जी के पास जाता है, बोलता है सेठ जी से मुझे 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, पर सेठ जी के पास जाता है, घंटी बजाता है, दरवाजा खोलता है, गार्डन आता है, फिर जैसे अंदर जाता कुत्ता आता है, पर वो कुत्ते को 1 लात मार देता है, और जो है सेठ तो देख लेता है टेलीविजन सीसीटीवी से, बोलता है इसने कुत्ते को लात मारा। तो जैसे कुत्ते को लात मारा, वो सेठ जी का हृदय को एक झटका लगता है, कुत्ता मेरा इतना प्यारा है। तो व्यक्ति जो पैसा लेने आया उसको ये 10 लाख देगा, नहीं हो सकता है 10 लाख देगा, उसे भगा देगा। पर उसके अगर विपरीत, अगर वो व्यक्ति भगवान के पास जाएगा, वो सॉरी उस व्यक्ति के पास जाएगा, उस कुत्ते को आइसक्रीम खिलाएगा, चॉकलेट खिलाएगा, केक खिलाएगा, तो उसका मन, वो बिल्कुल 10 लाख क्या, इसको 100 लाख दूंगा पैसा देने। तो लव मी, सेठ जी से प्रेम करना है तो उसके कुत्ते से प्रेम करो। तो इस प्रकार से भगवान से प्रेम करे तो भगवान से संबंधित हर जीव से वो प्रेम करने लग जाता है, इतना प्रेम करने लग जाता है कि वो जो है हर जगह भगवान को भी देखने लग जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न पुनश्यामि सा चामे न पुनश्यति। इस प्रकार से जैसे रोमियो जूलियट से प्रेम करते हैं तो रोमियो को हर जगह पे जूलियट दिखा रहता है, हीर रांझा से प्रेम करता तो रांझा हीर तो देखता रहता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका को जो ये। पर भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं, वो हर जगह भगवान को देखते हैं, खिड़की में भगवान को देखते हैं, बालकनी में भगवान को देखते हैं, और दरवाजा में, सब जगह पे भगवान को, इतना प्रेमी हो जाते हैं हर स्थान में भगवान, वो भगवान को छोड़कर कुछ नहीं देख सकते, इतना प्रेम करने लग जाते। पर आगे सर्वभूता सर्वभूता स्थितम यो माम भजति एकात्वं स्थिता सर्वता वर्तमानोपि सा योगी मय वर्तते। इस प्रकार से वो योगी, वो सुंदर भगवान परमात्मा के रूप में उनका दर्शन करता है, उसे प्रेम करता है, और सबके प्रति उसका समभाव रहता है। आत्मा वो पामेन सर्वत्र समं पश्यति योग अर्जुना सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमतः। इस प्रकार से वो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका लाभ चाहता है। अर्जुन कहता है नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं सबका हित नहीं चाह सकता हूँ, मैं युधिष्ठिर का हित चाह सकता हूँ, दुर्योधन ने हमारे साथ इतना बुरा किया, उनका हित नहीं चाह सकता। अर्जुन कहता है नहीं, क्योंकि तो मेरा मन जो है, मेरा मन जो है वो जो है पूरी तरह से रोगग्रस्त हो गया है, ये मन जो है बुद्धि के वश में नहीं है, ये बुद्धि बार बार कह रहा है कि सबसे प्रेम करो, पर मेरा मन जो है इतना रोगग्रस्त हो गया कि बुद्धि के बात को नहीं स्वीकार कर रहा है। जैसे एक रोगी जो है दवाई खाता है तो दवाई खाते खाते रोग से मुक्त तो हो जाता है, पर मेरा रोग इतना बढ़ गया है कि कितना भी दवाई खाओ वो दवाई असर ही नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से मेरे मन जो है वो ग्रस्त हो गया। ये जो है अष्टांग योग मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बस यही तो मैं पहले अध्याय से छठे अध्याय तक बता रहा था, कितना मेहनत करा के ले गया। तो भगवान जो है अर्जुन के इस पॉइंट तक ले गया ना, अभी अर्जुन पूरा क्लीन गोल्ड है। तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे यो अर्जुन आवाज, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, उनके करनी और कथनी में अंतर है। अर्जुन सरल से बोल, यो माम योगस्तया प्रोक्ता सम एना मधुसूदना एतस्याहं पश्यामि चंचला
सितम सिरम, नहीं मैं ऐसा नहीं सुन सकता हूँ, सबके लिए सब नहीं सुन सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा रोग बढ़ गया है और यह मन बहुत ही चंचल है। वो बुद्धि के बात सुनाने के बदले वो मन जो है बुद्धि को ही सुना लेता है। चलो भगवान में क्या मन लगा, तो इस प्रकार से मन जो बहुत ही चंचल है। मन कृष्ण प्रमति दृढ़ मन वासुदेव दुष्कराम, ये मन जो है चार विश्लेषण दे रहा है, चंचल है, प्रमति है और बलवद है और दृढ़ है। चंचल का होता है इधर उधर जाना, प्रमति का होता है वो जानता है सही क्या है गलत है फिर भी वो गलत करता है। चंचल का होता है ठीक है अभी ये देखा तो कभी वो देखा, अभी ये दुकान में गया तो कभी वो दुकान में गया, पर खरीदता कुछ नहीं है। इस प्रकार से वो चंचल है। प्रमति का अर्थ होता है वो जानता है सही क्या है गलत क्या है, पर फिर गलत करता है। उनको मालूम है धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है फिर भी और एक लाभ। उनको मालूम है सुबह जल्दी उठना चाहिए रात को जल्दी सोना चाहिए फिर भी उल्टा, रात को देर से सोएगा और सुबह देर से उठेगा। मैं कभी नहीं सोचा था ऐसा भी हो सकता है। मैं अपने बारे में बताऊं, बचपन में एक गाना सुना था, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। मैं सोचा ये लोग कविता लिखने के लिए लिख रहा है, पर आज मुझे पता लगा, 20 साल पहले पता लगा, मैंने देखा सच में बहुत सारे लोग जो है रात को जागते रहते हैं और दिन को आराम करते हैं, कॉल सेंटर में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैं सोचा नहीं था ये कभी सच होगा, ये केवल गाने के लिए गा रहे पर ये सच है। आजकल ऐसा हो रहा है, प्रमति का होता है सही और गलत जानते हैं वो, पर फिर भी गलत काम करते हैं। बलवत मान लो उनका मन को उन्होंने स्थिर कर दिया, सही चीज को भी करने लगा, पर मन इतना बलवान है बुद्धि को, बुद्धि की बात को स्वीकार नहीं करेगा। बुद्धि की बात, बुद्धि जैसे एक एक व्यक्ति है, वो थोड़ा सा पिया हुआ है तो उसको पकड़ने के लिए सब जा रहे हैं, पर वो भगवान रहेगा 10 लोग भी पकड़ने आएगा तो एकदम से सबको 10 का 10 का झटका देगा। इस प्रकार से मन जो है कितने भी उनको समझाओ नहीं समझेगा। बलवत दृढ़, वो गलत चीज करने के लिए दृढ़ है। ऐसा मेरा मन हो गया, मैं सबका हित नहीं सोचता। वायु रे बस नहीं हो सकता, कृष्ण नहीं हो सकता, बस यही तो मुझे बताना था। आगे ना आपको निष्काम कर्म योग मार्ग में लगना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे। इस अवतार हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। असंशया महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चरम, अभ्यासे ना तु गौतया वैराग्येन चागृहीते। अर्जुन आप महाबाहो, काल में आपने बहुत बहुत सारे दुश्मनों को अपने भावों से हरा कर उन्हें अपने बस में किया। मैं आपको महाबाहु तब मानूंगा जब मन रूपी दुश्मन को आप बस में लाओगे। अभ्यास करो, वो कितना भी रोग कितना भी भयंकर क्यों ना हो, पर अगर वो एक अच्छा वैद्य के पास जाएगा और उसके बताए हुए दवाई लेंगे परहेज करेंगे तो धीरे धीरे वो रोग भी जो है बस में आएगा। इसी प्रकार से वैराग्य और अभ्यास के द्वारा गलत चीज को दूर रखो, सही चीज को स्वीकार करो, गलत संघ से दूर हो, अच्छे संघ को प्राप्त करो, जो प्रतिकूल है उससे दूर हो, जो अनुकूल है उससे स्वीकार करो। तो ऐसे ऐसे अभ्यास करते करते मन स्थिर हो जाएगा। असम्या असम्या आत्मना योग दुष्प्राप इति मे मति, वास्य आत्मना तु यत तथा साख्यो अभाव उपायता। इस प्रकार से धीरे 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 तो अभ्यास करते 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 मन का स्थिर हो जाएगा, बस में आ जाएगा। अब जो है अर्जुन पूरी तरह से स्वीकार करने तैयार, अष्टांग लोग उनके पास में नहीं, तो अर्जुन फिर से प्रश्न पूछेगा। अब जो है अर्जुन प्रश्न पूछेगा, वो पहले अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे वो अपने लिए पूछ रहा था,
मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। पर अभी वो कन्विंस हो गया, अब मुझे भगवान के योजना को स्वीकार करना है, मुझे युद्ध करना है। ठीक है, मैं निष्काम कर्म योग में और मैं चलूंगा, पर निष्काम कर्म योग बाद में जो चढ़ने वाले हैं कृष्ण, अगर वो गलती से पूरा तरीके से परिपक्व नहीं हो गया और वो अच्छी तरह से निष्काम कर्म योग मार्ग में नहीं लगा, भक्ति मार्ग में वो सीरियस नहीं है, पर सिंसियर, पर वो चिट्टर नहीं है, पर हल्का फुल्का सिर्फ भक्ति लिया ना, तो वो कर्म मार्ग में अगर रहता तो स्वर्ग का सुख प्राप्त करता। लेकिन वो भक्ति अच्छी तरह से करता तो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, पर वो सीरियस नहीं था। अब ना तो स्वर्ग जाएगा ना तो भगवत धाम जाएगा, उसका क्या हाल होगा? ना तो वो घर का होगा ना घाट का होगा, ना तो स्वर्ग गया ना तो भगवत धाम गया, उनका क्या होगा? वो तो ऐसा होगा जैसे कि एक पतंग जो कट गया, ना तो हवा में है ना तो जिसके पास जो पतंग उड़ा रहे उसके हाथ में है, उसका हाल बेहाल हो जाएगा। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, इसका भी उत्तर हमारे पास है, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। अर्जुन वाच, अर्जुन प्रश्न पूछ, वो ठीक है मैं भक्ति योग करूंगा, पर मानो भक्ति योग में हम परिपक्व नहीं होंगे तो क्या होगा? या यदि श्रद्धयो पर त्यो योग चलति मनसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। उनका क्या हाल होगा, वो कहाँ जाएगा, उनका क्या गति होगा? हे कृष्ण, आप कृपा करके बताओ, मैं तो एक अच्छा भक्त हूं, मैं अच्छा भक्ति करूंगा, पर भक्ति योग का जब मैं प्रचार करने जाऊंगा कोई प्रश्न करेगा कि भक्ति योग में भी तो ऐसा हो सकता है, तो उसका उत्तर मैं कैसे दूंगा? कश्चिन्नो भयाद्विप्रस्ता चिन्नाप्रमेव नाश्यति अप्रातिस्तो महाभाव विमुडा ब्राह्मणापते। वो ना तो स्वर्ग जा पाएगा ना तो भगवत धाम को प्राप्त करेगा ना तो वो परम गति को प्राप्त करेगा, उसका तो हाल ऐसा होगा जैसे कि बादल जो है हवा से एक जगह से दूसरी जगह चलायमान किया जा रहा है, वो कटी पतंग की तरह वो घूमता रहेगा। मुझे बताओ इस प्रश्न का, ये मेरा संशय है, इसका उत्तर दीजिए आप, कृपा करके दीजिए, मैं भक्ति के मार्ग में चलने के लिए तैयार हूँ। एतान् मे संशया कृष्णं चेतम अर्हसि अशेषता तदन्य संशय तदन्य संशय अस्य चेतना ही उपाद्यते। मेरा ये संशय है कृष्ण, इस संशय को आप ही दूर कर सकते हो, आपके सवाल और कोई दूर नहीं करता। कृष्ण कृपा करके बताइए, भक्ति योग में लगा हुआ वो व्यक्ति, वो अच्छा भक्त है पर वो गंभीर नहीं है और हल्का फुल्का भक्ति कर रहा है, वो चीटर नहीं है, पर वो ना तो स्वर्ग जा पाएगा ना तो भगवत धाम जा पाएगा, उनका क्या होगा? अब भक्ति का महिमा बताएंगे श्री भगवान वाच, फिर से श्री भगवान वाच, जब भी वेद व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, इधर उधर की बातों को त्याग करके, इधर उधर के विचार को त्याग कर, इधर उधर के कार्य को त्याग करके, एक एक शब्द ने एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एक बार अगर भक्ति में लग जाता है, एक बार अगर वो थोड़ा सा प्रसाद ले लिया, एक बार चरणामृत ले लेता है, एक बार जो है थोड़ा सा मंदिर में सेवा कर लेता है, भगवान उसे याद करेंगे और वो छोटा सा जो एक बार वो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर लेगा, वो भक्ति का वो छोटा कार्य जो है उनको जो है धीरे 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 पर स्लोली बट श्योरली इसको जो है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक लेकर जाएगा जाएगा और जरूर लेकर जाएगा। भगवान का एक भक्त था चैतन्य महाप्रभु के समय पे, वो सबसे कहता अरे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, तो मुसलमान लोग सब थे, वो लोग बोले नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, कौन सा नाम नहीं लेंगे, कृष्ण का नाम लो ना, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, कौन सा नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण का नाम लेंगे, ये वो ताली बजाने लग जाता है। आपने कृष्ण का नाम नहीं लेंगे बोलने में कृष्ण का नाम बोल दिया, और उनको इतना विश्वास था कृष्ण का एक बार नाम लेगा उनका भक्ति आरंभ हो गया, और एक बार भक्ति आरंभ हो गया तो वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पर श्योर
दो या तीन जन्म के बाद वो भगवान का धाम को प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार से भगवान की यही बात कर रहे हैं, मेरा भक्त जो भक्ति करता है, एक बार भक्त बन लेता है तो इस जन्म में परिपक्व नहीं हुआ तो अगले जन्म में वो जरूर परिपक्व हो जाएगा। श्री भगवान वाच विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तद्गच्छति। उसका दुर्गति नहीं हो सकता है, उनका कल्याण जरूर होगा। वो जो है मेरे मेरे धाम पे आएगा, उसका वो उन्होंने जितना भक्ति किया है वो भक्ति हमेशा से रहेगा। इस संसार में हम भक्ति को छोड़कर कोई भी कार्य करें, पीएचडी भी करें, अगर अंबानी ने करोड़ों अब कमा भी लिया पर वो अंबानी, धीरू भाई अंबानी अब चला गया, अब बताइए वो अंबानी के पास वो पैसा रहेगा? नहीं रहेगा, वो गया। जो पीएचडी किया, अगला जन्म आएगा फिर से उसको एबीसीडी सीखना पड़ेगा। वो स्कूल के प्रिंसिपल से नहीं कह सकता मेरे पिछले जन्म का पीएचडी देखो ना, नहीं चलेगा। पर भगवान का भक्ति जो है, हम थोड़ा सा करेंगे, 10% करेंगे, अगले जन्म में 11% से आरंभ हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो जो है थोड़ा बहुत भक्ति किया है, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिनां श्रीमतागे योग भ्रष्ट अभिजायते। वो योगी है, वो जो है योग भ्रष्ट हो चुका है, उसका योग जो है आधे में अधूरा में रह गया है। पर अगले जन्म में वो जो है या तो एक सुचि नाम वो, या तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा या एक बहुत ही धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेगा और उनका भक्ति फिर से आरंभ हो जाएगा। कौन ब्राह्मण के घर पे जाएगा, कौन जो है श्रीमान के घर पे आएगा? अतावा योगी नाम एवा कुलभवती धीमता एतद् हि दुर्लभतरम् लोके जन्मा यद् दृश्य। उसका जन्म जो है इतना सुंदर होगा, जैसे जैसे प्रभुपाद जी से हेनरी फोर्ड के पोते मिले थे, उनका नाम है एल्बर्ट फोर्ड। वो इतना धनवान था, इतना धनवान था, उनको कोई चिंता नहीं था, पर प्रभुपाद जी के पास आए थे, उनके मन में एक ही विचार चल रहा था, ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, जीने का लक्ष्य क्या है, जीने का लक्ष्य। प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी से मिलते ही वो प्रभुपाद जी ने उनसे एक ही प्रश्न भेजा, आपके दादाजी कहाँ पे? वो सोचने लगा, दादाजी ने इतना मेहनत किया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अब ये सब करके कहाँ गया, ये सब बेकार है। तो सही क्या है? तो बोला आप ऐसा काम करो जो कभी नष्ट नहीं होगा, भक्ति करो। तो वो भक्त तो बन गया। ये क्या है, एल्बर्ट फोर्ड वो पिछले जन्म में योगी था, पर थोड़ा बहुत योगी किया, अब एक धनाढ्य घर पे जन्म लिया। वहीं पे हम देखते हैं बोध गोविंद गोस्वामी महाराज, और हम जयानंद स्वामी का सुनते हैं। जयानंद स्वामी जो है अमेरिका में जन्म ले, वो प्रभुपाद जी के साथ 7 साल रहा और इतना सुंदर सेवा किया, दिन रात, दिन को भक्तों के संग में रहता था, रात को गाड़ी चलाता था, मंदिर चलाने के लिए पैसा दिया करता था। वो था इंजीनियर, अमेरिका में इतना सेवा किया, इतना सेवा। अंत में 1977 के मई महीने में उनको कैंसर आया और मई 1 तारीख को वो शरीर छोड़कर भगवत धाम चले। प्रभुपाद जी ने कहा वो योगी था, थोड़ा सा उनका कमी रह गया था, वो जो है कमी पूरा करने के लिए मेरे पास आया, उनका अभी भक्ति पूरा हो गया, भगवत धाम चले। जो पिछले जन्म में पूरा भक्ति करता है वो, या थोड़ा भक्ति करता है, जो थोड़ा भक्ति करता है बड़े सेठ के घर में जन्म लेता है, वो पहले स्वर्ग जाता है फिर बड़े सेठ के घर में जन्म लेता है, या जो बहुत भक्ति करता है तो वो थोड़े समय के लिए जो है थोड़े समय के बाद एक पवित्र वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, जैसे गौर गोविंद महाराज जी को जन्म लिए। आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे गृहस्थ आश्रम के बच्चे, उनमें से ऐसे बच्चे हैं कि जो जो लोग 2000 श्लोक जो है याद करते हैं, उनको 2000 3000 श्लोक भगवत गीता भागवतम का कंठस्थ है। ये सब कौन है? ये लोग वो योगी हैं जो कि योग भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार से ब्रह्मांड में बहुत सारे योग भ्रष्ट योगी घूम रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कौन है वो माता, कौन है पिता जिनको मैं चुनूं और उनके मैं पुत्र बनूं और मेरा भक्ति को आगे बढ़ाऊं। वो लोग ढूंढ के हैं, पर धन्य है प्रभुपाद जी, और धन्य है प्रभुपाद जी के आंदोलन में
प्रगति के आंदोलन में यहाँ के दंपति पति पत्नी जो है पवित्र जीवन यापन कर रहे हैं, गर्भदान संस्कार कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब पति पत्नी गर्भदान संस्कार करते हैं, ये बड़े बड़े योगी लोग जो है उनके जीवन में पुत्र या संतान बनकर आते हैं और श्लोक पे श्लोक कीर्तन पे कीर्तन करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब मंदिर में आते हैं, कभी कभी वो सीधा मृदंग वगा के बजाने लग जाते हैं। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, हम देखते हैं छोटे बच्चे, उनको कुछ लेना देना नहीं कि वो कौन है। पिछले जन्म में कीर्तन कर रहा था पर सीरियस नहीं थे, पर इस जन्म में वो बहुत सीरियस हो जाएंगे, बोलेंगे पिछले जन्म में मैं जो गलती किया था मैं नहीं करूंगा, अब जो है मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से आगे जाऊंगा, ना मैं कहीं अटकूंगा, ना लुटकूंगा, ना भटकूंगा, मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ से भगवत धाम जाने के लिए, और मैं कामयाबी प्राप्त करते रहूंगा करते रहूंगा करते रहूंगा। ये भक्तों के लिए एक गारंटी, एक बार भक्ति को पकड़ लिया ये भक्ति उसको ऊपर तक लेकर जाएगा जाएगा और जरूर लेकर जाएगा। इसलिए अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हमें योग प्रस्त नहीं बनना है, हमें जो है एकदम बेस्ट बनकर भगवत धाम जाना है, पूरा का पूरा भक्ति करना है, हमें आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वादेकम याता तेथा ततो भैया संसिद्धो गुरु नंदना। प्रकार से वो पिछले जन्म का जो गलती है फिर से दोहराएगा नहीं और कहेगा कि मैं पूरा मेहनत करूंगा, और पूरा मेहनत करते हुए भगवान का भक्ति करते हैं। पूर्व अभ्यास न तान एवा हिर्यते ही अवसो अपि सा जिज्ञासपि योगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह से भक्ति में तीव्रता से लग जाता है। प्रायात्मा आत्मनास्तु योगी संसुतो किल्बिष अनेक जन्म संसुद्ध तथो यति परम गति। और वो जो है पूरा मेहनत करता है, पूरा शक्ति लगता है और कहता है कि अब इस बार मैं यहाँ तक आया हूँ, अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा और अपने जीवन को सफल करके वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अर्जुन आप जो है कर्म, आप जो है योगी बनो, योगी निष्काम कर्म योगी बनो, क्योंकि ये योग का मार्ग जो है एक बार लेता है तो वो सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। तपस्ता तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यो चाधिको योगी तस्मा योगी भव अर्जुन। एक योगी जो है तपस्वी से श्रेष्ठ है, एक योगी जो है ज्ञानी से श्रेष्ठ है, एक योगी जो है कर्मी से श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन आप योगी बनो, तस्मात् योगी भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं कहा। तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं कहा। तस्मात् तपस्वी भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं कहा। तस्मात् कर्मी भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं कहा। तस्मात् जो है पापी भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं कहा। तस्मात् इंजीनियर भव अर्जुना, भगवान ने कहा तस्मात् योगी भव अर्जुना। और ये हम जो मार्ग में लगे हैं वो योग का मार्ग है, क्योंकि योग का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा सरल है। थोड़ा सा नाचो, थोड़ा सा गाओ और थोड़ा सा प्रसाद लो और थोड़ा सा भक्तों का सिंग करो, बेड़ा पार हो जाएगा। इतना सरल मार्ग है, इतना सरल मार्ग है, इससे सरल और कोई मार्ग नहीं मिले। प्रभुपाद जी ने कर दिखा है, चैंटिंग डांसिंग और फिशिंग के द्वारा प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीज को जप्पा में लगा, जीरो को हीरो बना दिया और लुकियों को सुखी बना दिया। इतना सरल ये भक्ति का मार्ग है। तस्मात् योगी भव अर्जुना, योगियों में भी आप सबसे श्रेष्ठ योगी बनो, जैसे गोपियां हैं। योगी नाम अभी सर्वेशा मद्गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते तमामता। एक बार आप योगी बनोगे, आधा अधूरा भी छूट गया तो भी अगले जन्म में आपको जो है मौका मिलेगा, पर आप तपस्वी बनोगे, कर्मी बनोगे, आधा अधूरा रह जाओगे, फिर से शुरू से आरंभ करना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक बैंक है, ये आध्यात्मिक बैंक में हम पैसा डालेंगे, वो पैसा नष्ट नहीं होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसलिए आप योगी बनो। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश भगवान दे रहे हैं। अर्जुन समझ गया, अब वो जो है जंगल में जाके अष्टांग योग नहीं कर सकता है, अब उनको
यही निष्काम कर्म योग मार्ग में लगना है। हम सब जो है निष्काम कर्म योग मार्ग में ही लगे हुए हैं। हम जो है धीरे धीरे सेवा करते करते, यज्ञ दान तप करते थे, मन पवित्र करते करते, हम सबको जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप, भक्तों का संग, प्रसाद, कीर्तन का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। खास करके भारत में जो जन्म लिए हैं उनके लिए भगवान का बहुत बड़ा जो है योजना है। भारत भूमि मनुष्य जन्म हो जाड़, जन्म सार्थक करे परोपकार। उनको जो है जन्म को सार्थक करना है, क्योंकि भारत भूमि इतना पवित्र भूमि है। यहाँ पर जो है भारत भूमि इतना पवित्र भूमि है, कहते हैं कि भारत भूमि में कीड़े भी जन्म लेते हैं, वो भी भगवत धाम चले जाते हैं। भारत भूमि मनुष्य जन्म हो जाड़, मनुष्य जन्म लिया तो क्या बात, भारत भूमि हाथी जन्म हो जाए, जन्म सार्थक करें करो परोपकार। भारत भूमि में हाथी जन्म लिया था, एक का था गजेंद्र नाम तो दूसरा का था गजगोपाल, वो हाथी जो है भक्त बन गया। और तो और भारत भूमि में भालू जन्म लिया, भारत भूमि भालू जन्म हो जाए, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। भारत भूमि में मछली जन्म लिया, भारत भूमि मछली जन्म हो जाए, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। रामानुजाचार्य जो है एक बार हाथ, रामानुजाचार्य जो है एक बार प्रसाद के बाद हाथ धोए तो मछलियों ने उनके महाप्रसाद लिया, तो मछली जो है उनका जीव देखते ही देखते चतुर्भुज नारायण बनकर चले गए। कार्तिक के महीने में हम लोग दीपदान करते हैं, तो भारत भूमि भूमि चूहा जन्म होने जा, जन्म सार्थक करे परोपकार। चूहा जो है घी पिया और घी के साथ उस आग लग गया, चक्कर काटते काटते उसके शरीर को आग लगा, देखते ही देखते वो चूहा बगल धाम। ये भारत भूमि तपोभूमि है, भक्ति का भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये पवित्र भूमि है। ये भारत भूमि में अगर चूहा हाथी भालू सार्थक कर सकते मनुष्यों को क्या कहना, इसलिए भारत भूमि मनुष्य। और उसमें भी निगड़ी भूमि जन्म हो मनुष्य जन्म हो, निगड़ी में सब लोग सबका बिगड़ी ठीक कर देता है, तो आपका क्या कहना। तो हमें तो और अच्छी तरह से सार्थक करके परोपकार के कार्य में लगना चाहिए। देखिए बाकी जो भूमि है वो उतना श्रेष्ठ नहीं है। अमेरिका भूमि मनुष्य जन्म हो जा, अमेरिका भूमि में जो मनुष्य जन्म लेता है वो नशा करने में लग जाता। अमेरिका भूमि मनुष्य जन्म हो जा, जन्म बर्बाद करे नशाचार, वो नशा करने लग जाता है। माँ के घर में ही वो नशा करने लग जाता है, उल्टा लटक के गुड़ 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 पीता है, क्योंकि माँ ही शराब पीता है। जो ऐसा भूमि है। अब चाइना भूमि मनुष्य जन्म होला जार, चाइना में ऐसा है कि बच्चा माँ के घर में मांसाहार करता है, और माँ जो है जो भी चलता फिरता है चिपकली चाप वो खा लेता है, वो भी फ्राई करके भी नहीं, बॉइल करके नहीं, सीधा कच्चा। चाइना भूमि मनुष्य जन्म होला जार, जन्म बर्बाद करे करम मांसाचार, वो मांस खाते रहता है। और फ्रांस भूमि का क्या कहना है, फ्रांस भूमि मनुष्य जन्म होला जार, वहां के लड़के लड़कियां एक दूसरे से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। फ्रांस भूमि मन से जन्म हो जा, जन्म बर्बाद करे करे व्यभिचार, वो व्यभिचार में लग जाते हैं। इटली का बात क्या कहना, वहां तो झूठ पे झूठ, कैसीनो पे कैसीनो, गैम्बलिंग पे गैम्बलिंग। इटली भूमि मन से जन्म हो जा, जन्म बर्बाद करे करो दुराचार। पर धन्य है प्रभुपाद जी, वो अमेरिका गए, वो चाइना गए, रशिया गए और इटली गए और फ्रांस गए, और ऐसे लोगों को भी उद्धार कर दिया, उनको हिप्पी से हैप्पी बनाया, रूसी से रूसी बनाया, चीनी से मुनी बनाया, जापानीज को जापान में लगा दिया और दुखियों को सुखी बना दिया। ये जो आंदोलन है बड़ा पवित्र आंदोलन है, इस आंदोलन में हम आए हैं और भारत भूमि में इस आंदोलन में जुड़ गए हैं। और भारत भूमि तो भारत भूमि निगड़ी भूमि में हमने जन्म लिया है, तो फिर क्या कहना, निगड़ी भूमि मनुष्य जन्म हो जा, जन्म सार्थक करें करो परोपकार। आप निगड़ी के वासी हैं, सबका बिगड़ी को ठीक करने के लिए आपका यहाँ पर जन्म हुआ है, तो जन्म इस जन्म को सार्थक करना है, यानी कि अब से लेकर शरीर छूटने तक अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को भक्त बनाना है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करना है, सदाचार का पालन करना है, इतना खुशियों को अनुभव करना है और खुशियों को बांटना है, ये निगड़ी भूमि मनुष्य का जो है कर्तव्य है। तो आप सब तैयार हो, सब तैयार है।
माने प्रभु जी लोग तैयार है, माता जी लोग डर गए, अरे बाप रे, निगड़ी भूमि मनुष्य जन्म आला जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार, सब तैयार है, अब से लेके शरीर छूटने तक हम अच्छे भक्त बनेंगे और औरों को भक्त बनाएंगे। मैं अब से लेकर शरीर छोड़ने तक कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, यहां तक आया हूं, यहां से आगे जाऊंगा। हम होंगे कामयाब, जरूर होंगे कामयाब, जरूर होंगे कामयाब। हरे कृष्णा।